बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट एग्जाम के रिजल्ट का इंतजार खत्म हो गया। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड यानी BSEB ने 23 मार्च को 12वीं का रिजल्ट जारी कर दिया है। 12वीं में इस साल लड़कियों ने बाजी मारी है। BSEB अध्यक्ष आनंद किशोर ने सोशल साइट एक्स पर रिजल्ट की औपचारिक घोषणा की। उन्होंने कहा कि जो छात्र भी इस परीक्षा के लिए उपस्थित हुए हैं, वो अपना रिजल्ट बिहार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइटों biharboardonline.bihar.gov.in और results.biharboardonline.com पर आसानी से चेक कर सकते हैं। रिजल्ट आने के बाद 12वीं के स्टूडेंट बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर अपना अपना रिजल्ट देखने में मशगूल हो गए। अब हम आपको बताते हैं कि स्टूडेंट अपना रिजल्ट कैसे चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले biharboardonline.bihar.gov.in या onlineseb.in पर जाएं। फिर बिहार बोर्ड इंटर रिजल्ट 2024 लिंक पर क्लिक करें। इसके बाद अपना रोल नंबर या रोल कोड डालें। फिर सबमिट बटन पर क्लिक करें। इस क्लिक के बाद बिहार बोर्ड इंटर रिजल्ट स्क्रीन पर खुल जाएगा और आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। आप फ्यूचर के लिए रिजल्ट का प्रिंटआउट लेकर अपने पास भी रख सकते हैं। इसके साथ ही बिहार बोर्ड ने बिना इंटरनेट के भी नतीजे देखने का मौका दिया है। स्टूडेंट SMS के जरिए भी अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने SMS बॉक्स में बिहार 12 रोल नंबर टाइप करना होगा और इस मैसेज को 56263 पर भेज दें। इसके बाद आपका रिजल्ट SMS के जरिए मिल जाएगा। बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट के अलावा छात्र अपना रिजल्ट सीधे http://results.biharboardonline.com के जरिए भी चेक कर सकते हैं। इन सब के अलावा स्टूडेंट अपना 12वीं का रिजल्ट डीजी लॉकर पर भी चेक कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप आधिकारिक वेबसाइट digilocker.gov.in पर जाएं। इसके बाद डीजी लॉकर ऐप को खोलें। फिर बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं के रिजल्ट का चयन करें और जरूरी जानकारी दर्ज करें। इसके बाद रिजल्ट आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई देगा। आपको बता दें कि बिहार बोर्ड में 12वीं में आर्ट स्ट्रीम में तुषार कुमार ने टॉप किया है। रिजल्ट आने के बाद तुषार ने कहा कि वो बहुत खुश हैं। उन्होंने पूरे स्टेट में आर्ट्स में टॉप किया है। अपनी तैयारी के बारे में तुषार ने कहा कि उन्होंने सेल्फ स्टडीज की थी और NCERT और यूट्यूब से पढ़ाई से परीक्षा की तैयारी की थी। नहीं सोचा था कि आप स्टेट टॉपर बनेंगे? नहीं सर, ये तो नहीं सोचा था कि मैं स्टेट टॉपर बनूंगा, पर ये जरूर पता था कि मार्क्स अच्छा आएगा और मेरे एक दोस्त से मुझे पता चला कि मैं स्टेट टॉपर बना हूं, तो इसके बाद मुझे बहुत खुशी हुई। टॉपर वेरिफिकेशन में क्या कुछ पूछा गया था आपसे? सर, टॉपर वेरिफिकेशन में मेरे 5 सब्जेक्ट थे तो 5 अलग अलग टीचर्स ने बहुत सारे सवाल पूछे और उन्होंने भी बहुत बधाइयाँ दी कि उन्होंने भी ये बोला कि बहुत अच्छा स्कोर आया है। उन्होंने बताया नहीं कि क्या स्कोर है, बट उन्होंने भी कहा कि बहुत अच्छा स्कोर आया है। सेल्फ स्टडी किताबें ज़्यादा पढ़ी, किताबों NCERT किताबें 2-3 बार पढ़ी और यूट्यूब का भी सहारा लिया। वहीं इस साल आयोजित हुए एग्जाम में 87.21% स्टूडेंट पास हुए हैं, जिनमें साइंस स्ट्रीम में 87.7% रिजल्ट रहा है। इसके अलावा कॉमर्स का रिजल्ट 94.88% और आर्ट्स का रिजल्ट 86.15% रिकॉर्ड किया गया है। यानी इस साल 12वीं में कॉमर्स स्ट्रीम का सबसे बेहतर रिजल्ट रहा है। वहीं पिछले साल 2023 में BSEB इंटरमीडिएट परीक्षा में टोटल 83.70% रिजल्ट रहा था। बिहार बोर्ड के मुताबिक इस साल बोर्ड की परीक्षा में करीब 16,94,564 स्टूडेंट शामिल हुए थे। 12वीं की परीक्षा 1 फरवरी से 13 फरवरी तक आयोजित की गई थी। बिहार बोर्ड के मुताबिक इस साल बोर्ड की परीक्षा में करीब 16,94,564 स्टूडेंट शामिल हुए थे। वहीं अगर किसी स्टूडेंट को लगता है कि उसकी उम्मीद के मुताबिक अंक नहीं आए हैं तो वो रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जानकारी कैंडिडेट्स अपने स्कूल से भी प्राप्त कर सकते हैं। जो स्टूडेंट 1 या 2 सब्जेक्ट में फेल हो गए हैं, उन्हें कंपार्टमेंट परीक्षा में पास होने का एक और मौका दिया जाएगा। टीम न्यूज़ नेशन।